सलमान खान ने जो ब्लैक बक का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है। पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए हुए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। विश्व समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। विश्व समाज पर्यावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीवों को बचाने वाला, ये एक ऐसा समाज है विश्व में जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाता है, सृष्टि को बचाता है। अब उस हत्या से लेके तो हमें पता नहीं क्यों पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। बाकी सलमान खान ने जो ब्लैक बक का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है और पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए हुए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। चूंकि मामला कई सालों पुराना है और कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी सुनवाई दी, अपना फैसला सुनाया, उसके बावजूद अब विश्नोई समाज क्या चाहता है? विश्नोई समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने वास्तव में पश्चाताप होना चाहिए, जबकि ऐसा उसके नहीं है। उसके पिताजी ने कल ही बयान दिया है कि मैं सलमान खान ने शिकार किया ही नहीं, तो क्या वो हिरन ब्लैक बक खत्म हुआ, उसके चश्मदीद गवाह पुलिस और वन विभाग ने मुकदमे दर्ज किए, वो जेल में रहा, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, ये सब झूठ है क्या? क्या वो एक ही सच्चा है क्या? उसका परिवार ही झूठ बोल रहा सलमान खान का, इसलिए। और कभी वो पैसे का भी उसने कल आरोप लगाया सलीम जी हैं। सलीम जी ने। आपको पता है बिश्नोई समाज पर्यावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीवों को बचाने वाला, ये एक ऐसा समाज है विश्व में जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाता है, सृष्टि को बचाता है। क्या वो ऐसे हराम के पैसे चाहिए क्या उसको? कभी नहीं चाहिए। हम लोग तो मेहनत मजदूरी करके और हमारे धंधे से, हमारे व्यापार से, हम किसान लोग हैं, हम तो हमारे में बहुत खुश हैं। हमें तो ये जो शिकार के दर्द देते हैं ये भी बहुत दुखी कर देते हैं। हमें आराम का पैसा नहीं चाहिए। ये ऐसा है, उसने कह के दूसरा अपराध किया उसने हमारे समाज के सामने। एक चूंकि मीडिया में जो सलीम जी की जो बयान आया उससे आप काफी आहत हैं। बहुत आप एक एज वाला आदमी और इस तरीके से वो बोलता है, वो अदालत को झूठा बता देता है, विश्नोई समाज को ही बता देता है। मतलब इससे ये साबित होता है कि वो परिवार ही झूठा है। एक बीच में आप लोगों ने ये भी कहा था कि भाई माफी मांगे सलमान खान, क्योंकि तो समाज आहत है अब तक। कहाँ माफी मांगे सलीम जी का जो बयान आया, माफी किससे मांगे? वो बोले कहाँ ठिकाना है हमारा? ठिकाना है हमारा मुक्ति धाम मुकाम है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल है और वो हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे एक में दो मेला लगता है, 8-8 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ आके मांगे, हमारे मठाधीश है, हमारा सब कुछ है, हमारी सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय विश्व महासभा, हमारी और कई संस्थाएं, जीव रक्षा, BTF, जामवनी साहित्य अकादमी, हम लोग बड़े तरीके से और एक दूसरे को, हमारे समाज के अंदर बहुत एकता है, हम लोग संभल के काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, वन्य प्राणियों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। हमारा समाज को अगर विश्व में लोग मान ले उन 29 नियम को, तो कोई बीमारी नहीं हो, कोई कोरोना नहीं हो, कोई तरह के रोग नहीं हो और हर आदमी की उम्र 125 साल होती है। ऐसा हमारा समाज है, गुरु महाराज ने ऐसे नियम दिए दुनिया को। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बयान अब आपके सामने है, आप पहले सलमान खान के द्वारा जो किया गया था उससे आप शिकार से आहत थे, कई सालों तक कोर्ट में केस चला, फैसला भी आया,
अब सलमान खान के पिताजी का जो बयान आया उससे भी आप आहत है। आखिरी में अब समाज क्या चाहता है, क्या डिमांड चाहता है, क्योंकि आहत तो है, आप समाज के अध्यक्ष है, अब समाज क्या चाहता है, ये जो तमाम चीजें चल रही है, समाज की नाराजगी कैसे दूर हो सकती है? समाज की नाराजगी उसकी माफी से दूर होगी, बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, न्यायपालिका भी हम पर हमें विश्वास है और हमारा समाज अहिंसा का पुजारी है। डिमांड की जो बात सलमान खान के पिताजी की तरफ से सामने आई जिससे आप आहत है, इन आरोपों में कितना सच्चाई नजर आती है और यदि है तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं एक आपको बात बताऊं, ये आरोप सराचर झूठे हैं। जो व्यक्ति, जो समाज मूक दर्शक प्राणियों के लिए अपना जीवन त्याग सकता है, क्या वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? कभी नहीं करेगा। हम लोग आज तक आपको एक इतिहास देखो, अपने शिकारी नहीं मरा कभी भी, मरा कौन है, शहीद कौन है, विष्णु ही जाती हुई, क्योंकि हम शिकार और उस शिकारी और वन्य प्राणी के बीच में, हम लोग गोली के बीच में हम आते हैं ताकि वन्य प्राणी बच जाए, हम चले जाए तो चले जाए, हम हमारे पीछे परिवार फैमिली की परवाह नहीं करते, बिजनेस की परवाह नहीं करते, हमारा क्या होगा, इतना हम लोग प्रेम करते हैं वन्य जीवों से और प्रकृति से, प्रकृति ऑक्सीजन सबको चाहिए, पर जहाँ जहाँ विष्णु ही समाज है, हमने 363 लोग हमारे शहीद हुए माता अमृता देवी के नेतृत्व में, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते और दुनिया मान भी नहीं सकती, आज तक का इतिहास है हमारा, कहीं उठा के देख लो, हमारे सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता, हमारे सामने 29 नियम मायने रखता है, प्रकृति मायने रखती है और सृष्टि मायने रखती है और हमारा धर्म मायने रखता है, हमारा देश मायने रखता है।